हे हेलो, वेलकम बैक विथ अनुभवी फोटोशॉप ट्यूटोरियल। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मैं इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में गेमिंग्स के बारे में, खासकर पबजी पबजी गेमिंग्स डिज़ाइन कैसे कर सकती हो, खुद के लिए बैनर और थंबनेल या फिर आप कैसे क्रिएट कर सकती हो खुद का फेस के साथ, भी आप क्रिएट कर सकती हो, वही मैं इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में सिखाने वाला हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे राइट साइड पे मैंने एक फॉर एग्जांपल के लिए बना के रखा है। सो ऐसा ही है सेम। सो वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। सो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1200x1200 का एक फाइल साइज ले लिया है। सो मेक श्योर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो कैसे भी करके दबाना है, पूरा स्क्रीन को तोड़ के या फिर मोबाइल को फोड़ के कैसे भी दबाना है। सो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक और पिक्चर लिया है जो कि मेरा दोस्त का है, ये भी गेमिंग करता है, इसका गेमिंग का चैनल है, बाद में आपको बताता हूँ। अगर पबजी लवर हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना इनको भी। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ। फर्स्ट आप मेरे को एक फेस चाहिए, तो फेस इन्होंने मेरे को फोटो दिया है, ऑलरेडी मैंने इनका आर्ट वर्क भी किया है, तो इसका मैं थोड़ा सा फेस लेने वाला हूँ। और आपको पेन टूल का यूज भी कर सकते हो, आप पेन टूल भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा इजी रहेगा। तो कंट्रोल जे प्रेस कर दीजिए, इसको हाइड कर दीजिए, देन देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हम लोग के पास सिंगल फेस फोटो आया है। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा हाई फाई दिखाने वाला हूँ और लिक्विफाई में जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विफाई आ गया है, तो इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं और थोड़ा सा ब्रश को थोड़ा सा कम कर लीजिए। मैं यहाँ पे देख सकते हैं मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ, अभी आपको नहीं देख लीजिए, आपको कैसा चाहिए हेयर स्टाइल, मतलब अभी आपको यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो कर रहा हूँ ये सिर्फ अट्रैक्टिव दिखने के लिए है, तो बाद में आपको पता चलेगा कि क्यों मैं ये क्रिएट कर रहा था। तो सो ओके प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे, सिंपली देख सकते हैं ऐसा होके आ चुका है पिक्चर। फिर उसके बाद हम लोग को जाना है यहाँ पे, फिर से फिल्टर में जाना है और फिल्टर गैलरी में जाना है। हम लोग इसमें थोड़ा सा स्केच इफेक्ट देंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आई थिंक डिफॉल्ट ही बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। सो देख सकते हैं डिफॉल्ट ही बेटर है, तो आप ट्राई कर सकते हैं दूसरा भी, ये देख सकते हैं ये वाला भी, फिर सब कुछ भी आपको कौन सा पसंद है आप डाल देना, बट ये मेरे लिए बेस्ट लग रहा है। सो हम लोग को कार्टून इफेक्ट दिखाना है क्योंकि हम लोग गेमिंग का डिजाइन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके करना है। सो ओके प्रेस कर देते हैं। सो देन देख सकते हैं यहाँ पे रफ पिक्चर हो गया, जस्ट लाइक कि वेक्टर आर्ट जैसा हो गया है। देन उसके बाद मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, आप लोग को पता होगा कलर रेंज के बारे में, तो कलर रेंज से हम लोग इसको सेलेक्ट करने वाले हैं। सो कलर रेंज में मैंने डिफॉल्ट करके रखा है, मेक श्योर आपका 100 से नीचे नहीं होना चाहिए, 100 से नीचे रहेगा तो फेस पूरा क्लियरली सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, 100 से ऊपर ही रखना है, 100 भी रख सकते हो आप। सो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ओके प्रेस कर दिया, जैसे ही ओके प्रेस कर दिया पूरा सेलेक्ट हो गया है। देन आपको क्या करना है, कंट्रोल जे प्रेस करना है। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कलर रेंज के बारे में ऑलरेडी वीडियो डाला है, इधर राइट साइड में आ रहा होगा यहाँ पे लिंक। सो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हम लोग के पास एक फेस बन के आ गया है कार्टून जैसा, तो देख सकते हैं बिफोर आफ्टर भी जैसा है। तो इसको मैं एक नेम क्रिएट कर देता हूँ, मॉडल ओके। देन इसको हम लोग ड्रैग करेंगे फाइल में, आपको करना है इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना है। सो मैं इसका फेस थोड़ा सा बड़ा ही रखने वाला हूँ यहाँ पे, और सो उसके बाद मैं यहाँ पे एक और बॉडी लेने वाला हूँ पबजी का ही, सो मस्ट बॉडी यूज होता है, आई थिंक ज्यादातर प्लेयर्स को वही बॉडी पसंद आता है। तो यहाँ पे एक और फेस हो चुका है, देन मैं उसके बाद एक और फाइल ओपन करने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि एक पॉपुलर प्लेयर्स एक प्लेयर का है। सो इसको मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ, डाउनलोड किया है आपको गूगल में या फिर फ्री पिक्स में, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा गेमिंग में। तो हम लोग इसको भी फिर से कलर रेंज से सेलेक्ट करने वाले, आपको हो सके तो आप यहाँ से भी क्विक सेलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, क्विक सेलेक्शन टूल से भी हो जाएगा, बट कलर रेंज से बहुत बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपको कलर सैंपल लेने के लिए बहुत ही ईजी रहेगा, क्योंकि इसमें टू कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट,
बताया है कलर रेंज का, रेंज से कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं बोल के। तो आपको क्या करना है, इसका कंट्रोल जे करते हुए एक कॉपी ले लीजिए, देन सेलेक्ट पे जाइए और फिर से कलर रेंज पे जाइए। देन यहाँ पे देख सकते हैं आपको, यहाँ पे कलर रेंज आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी सेलेक्टेड है। मेक श्योर 100 तक रख लीजिए, 100 बेटर रहेगा, सो शार्पनेस आएगा इसमें, 100 से ऊपर ही रख लीजिए, तो इसमें ऑलरेडी सेटअप है। सो देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। फिर हम लोग को अननेसेसरी पार्ट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये वेक्टर स्टॉक बोल के है, तो ये हम लोग को नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सिलेक्शन में जाइए और सिलेक्शन में जाके आल्ट को होल्ड करते हुए आपको इसको डिसलेक्शन करना है। स्लोली आ जाइए आप, इसको भी थोड़ा सा सेलेक्ट करना है, देख सकते हो हट गया है। तो इसमें से थोड़ा आपको पूरा हटाना है, वरना पिक्चर में आ जाएगा जहाँ पे आप इसको लेके जाओगे। तो फाइनली वो सेलेक्ट हो चुका है, तो कंट्रोल जे प्रेस कर दीजिए, देख सकते हैं फाइनली आ चुका है यहाँ पे। और सो इसका मैं हेड भी रिमूव करने वाला हूँ यहाँ पे, आई थिंक हेड रिमूव वहां पे लेके जाके एडजस्ट कर लेंगे इसका हेड। तो यहाँ पे फाइल में लेके आने वाला हूँ, फाइल में लेके आके यहाँ पे रख देता हूँ, और सब्जेक्ट को स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। और हम लोग को क्या करना है, सब्जेक्ट को मास्किंग करते हुए ब्रश से इसका फेस को हम लोग मिटाने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा ट्रिम कर देता हूँ। आपका ब्रश का साइज कैसा चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं। कोटेशन मार्क को यूज करके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं प्रेस करने से। तो थोड़ा सा और इसको मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा और यहाँ पे देख रहे हैं, तो इतना लेके आ रहा हूँ और मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे फेस को मॉडल को आई थिंक थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे, और ये हो गया, और थोड़ा इसका साइज, फिर मॉडल पे जाते हुए आपको थोड़ा सा साइज कम करना है, थोड़ा सा और कम करना है। अगर कितना हाईलाइट करना है आपको, आप हाईलाइट कर सकते हैं आपका फिर इसको, तो दिखने में थोड़ा सा बेटर लग रहा है, बट इसमें कलर मैचिंग नहीं हो रहा है। तो मैं अभी लास्ट में आपको मैच करके दिखा दूंगा कलर भी कैसे डालना है बोल के, डाल के दिखा दूंगा। और थोड़ा सा इसमें मास्किंग करते हुए तो इंटर प्रेस कर देते हैं, देन इसमें भी मास्क कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। और इसमें क्या करना है, हम लोग को ब्रश टूल यूज करना है, देन थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं जिससे देन थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कर दिया, फेस आ चुका है हम लोग का नॉर्मल फेस से इसके फेस में आ चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक 3D टेक्स्ट लिखने वाला हूँ, जो कि चैनल मतलब आपका गेमिंग शो है ऐसा, इसमें लिख रहा हूँ मैं, इसमें लिख देता हूँ गेमिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको फर्स्ट गेमिंग लिखने वाला हूँ, और एक और TAMI। सो गुड, देन यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको रेस्टराइज टाइप करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ये 3D मॉडल में चाहिए। तो इसके लिए मैं 3D टेक्स करने वाला हूँ, और इसको यहाँ पे जाते हैं 3D में जाते हैं, और इसको अलग अलग करना पड़ेगा आई थिंक, एक ही बार में नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट मर्ज कर देते हैं, देन हम लोग एक ही बार में कर पाएंगे। देन 3D एंड देख सकते हैं 3D एक्सटेंशन लेयर। वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, सो प्लीज दिल थाम के बैठिए और पूरा देखिए वीडियो कैसा होने वाला है, और प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, और पसंद आया तो प्लीज लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको, बेल को तो खींचना ही खींचना है, स्क्रीन को तोड़ देना है आपको। देख सकते हैं यहाँ पे 3D एक्सटेंशन आ चुका है। तो यहाँ पे अभी हम लोग अभी देख सकते हैं यहाँ पे 3D एक्सटेंशन आ चुका है, देख रहे हैं
कैसा हो गया है, पूरा गेमिंग 3D जैसा लगने वाला है अभी। पूरा देखते रहिए, मैं यहाँ पे आपको लोगों को दिखाता हूँ कैसा डिजाइन करना है आप लोग को। अगर इसमें आपको 3D कैसे टेक्स करते हैं आपको, या फिर कुछ भी कलर चेंज कैसे करना है, तो आप लोग को मेरा पुराना वीडियो में जाना पड़ेगा। वहां पे एक वीडियो है 3D टेक्स, हाउ टू मेक 3D टेक्स, उसमें बहुत ही मैंने मजेदार पूरा इजी वे से बताया। तो मैं इसमें इसमें इतना ही करने वाला हूँ, और लेयर पे जाना वाला हूँ, इसको रेस्टराइज कर देता हूँ। रेस्टराइज 3D देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग को कलर चेंज करना है तो दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसमें वीडियो लंबा ना हो इसके लिए। तो मैं ये टेक्स्ट को यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, नीचे लेके आने वाला हूँ। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर देने के बाद मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, और देख सकते हैं यहाँ पे लेके आने के बाद थोड़ा सा इसको। और अभी हम लोगों ने पूरा फेस डिजाइन कर लिया, मतलब आई थिंक मान लो चैनल का नेम भी रख लिया, या फिर कुछ टेक्स्ट भी लिख लिया। तो अभी हम लोग गेमिंग्स का हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पबजी लिखने वाला हूँ। पबजी का लोगो भी, पबजी का लोगो नहीं है, पबजी लिख रहा हूँ। और मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट थोड़ा सा ऐसा क्रिएटिव टेक्स्ट देने वाला हूँ, क्योंकि मैं फोटोशॉप का टेक्स्ट यूज नहीं करने वाला हूँ, मैंने डाउनलोड करके रखा है ऑलरेडी। अगर आपको आपको टेक्स्ट चाहिए तो मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कैसा यूज कर लिया है, तो इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, माइनस में 10 बेटर रहेगा, माइनस में करने से थोड़ा सा। और इसको मैं इस करते हुए थोड़ा सा हाईलाइट करने वाला हूँ, थोड़ा सा और पूरा, अब जाके कुछ गेमिंग का मोड जैसे, पूरा गेमिंग जैसा दिखने वाला है, क्योंकि अब जाके वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसमें मैं इसको थोड़ा सा क्रिएटिव्स वो उसमें कुछ ऐड करके, रेक्टेंगल ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि लोगो आई थिंक पबजी का लोगो नहीं है, बट उसमें लोगो जैसा ही ऐसा ही ट्रायंगल रहता है। तो सो सिंपल क्रिएट कर लेते हैं, आप डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, तो इसके लिए क्रिएट करने वाला हूँ। तो इसको थोड़ा सा पिक्सल 30% कर देता हूँ मैक्सिमम, मैं किसी भी उसमें 30 यूज करता हूँ। और यहाँ पे कलर में जाने वाले हैं, आपको नॉन रखना है, और इसको आउटर लाइन पे ब्लैक कर देना है, क्योंकि ब्लैक में वर्क कर रहे हैं हम लोग, पूरा ब्लैक रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ब्लैक में रख दिया है मैंने, और इसको थोड़ा सा ऑफ कर दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पबजी का लुक जैसा आ चुका है। अभी हम लोग के पास एक और चीज, और यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड रहता है कुछ यहाँ पे आई थिंक, हाँ लाइनिंग रहता है पबजी का मैंने देखा है। तो ब्रश यूज करते हैं, यहाँ पे ब्रश लगाते हैं, मेक श्योर आप यहाँ पे ब्लैक यूज कर लेना, ब्लैक ही रखना पड़ेगा आपको। देन आप जाइए, और यहाँ पे एक और आपको लेयर क्रिएट करना पड़ेगा, लेयर, और यहाँ पे लिख लीजिए आपको ब्रश, ब्रश लाइन, ब्रश लाइन। सो मैंने यहाँ पे ब्रश लाइन लिख दिया, तो ब्रश देख सकते हैं इतना बड़ा है, तो हम लोग को इतना बड़ा नहीं चाहिए। सो थोड़ा सा डिक्रीज कर दीजिए, सो ब्रश को थोड़ा सा और बस और कम कर लीजिए यहाँ पे, साइज का हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेके आके क्या किया है, ब्रश का साइज देख रहा हूँ, दैट्स ए बेटर है। हम लोग को क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ पे होल्ड करते हुए, शिफ्ट प्रेस करते हुए थोड़ा सा ड्रैग बाहर लेके आना है, पीछे लाइन पे रखना है, शिफ्ट प्रेस करना है, फिर से लाइन लेके आना है थोड़ा सा, डन। तो सेम तरीके से वो यहाँ पे भी यही करेंगे हम लोग, फर्स्ट क्लिक करना है, उसके बाद शिफ्ट लेके खींचना है, तो हो गया। फिर से हम लोग क्लिक करेंगे और शिफ्ट लेके आके थोड़ा सा खींचेंगे, देन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल प्रेस करते हुए टूल को हम लोग मर्ज कर देंगे, रेक्टेंगल से मर्ज करेंगे, एक ही लेयर बना देते हैं इससे, इसमें ये बेटर लग रहा है अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा लेयर हो चुका है आप, सो इसको हम लोगों ने एक ही बना दिया है, तो देख सकते हैं अभी पबजी लुक बेटर आ रहा है। तो फाइनली ये तो हो चुका है कि कैसे हम लोगों ने बना दिया है। तो
इसको मैं टेक्स को भी मर्ज कर देता हूँ, बिकॉज हम लोग को टेक्स को भी एडजस्ट करना पड़ रहा है बार बार। तो यहाँ पे आपको रेस्टराइज टाइप करना पड़ेगा। अगर टेक्स को आपको लिंक करना है तो आपको रेस्टराइज टाइप करना पड़ेगा। सो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मर्ज कर सकते हैं। तो आपको अभी साइज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो मैं इसको यहीं पे रखने वाला हूँ क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। तो यहाँ पे लाइनिंग्स भी डाल सकते हो आप, तो ये बेटर लग रहा है, तो देख सकते हो। और मैं एक और यहाँ पे एक आई थिंक बहुत अभी देख सकते हो पहले जैसा ही है, पहले से बेटर दिख रहा है और क्रिएटिव भी हो चुका है। सो वीडियो तो आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। सो फाइनली क्या होता है कि पबजी जब भी हम लोग खेलते हैं तो हम लोग को आर्टवर्क चाहिए रहता है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और फाइनली जब हम लोग पबजी में विन होते हैं तो क्या होता है लास्ट में, विनर विनर चिकन डिनर। सो हम लोग उसी को लिखने वाले हैं। मैं लिखते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है विनर विनर चिकन डिनर। सो आपका हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। फर्स्ट तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मैं पहले ग्रुप कर देता हूँ ये, इसको शिफ्ट प्रेस करते हुए आपको जहाँ तक विंटर तक लेके जाना है। और देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल जी प्रेस कर देने से ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे आप नेम भी दे सकते हो, टेक्स्ट बोल के मैं लिखने वाला हूँ। मैं इसको भी मर्ज कर देता हूँ एक्चुअली अभी के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस रहेगा। और इसको क्लिक करते हुए शिफ्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको क्रिएट करना है और इसको थोड़ा सा लिखना है। तो यहाँ पे मैं कुछ कलर यूज करने वाला हूँ जो कि सोलिटेयर जैस्मिन कलर लेने वाला हूँ। सो इसमें से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ। सो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं विनर विनर चिकन डिनर तो आ चुका है, बट इसमें कुछ हम लोग को और क्रिएटिव भी दिखाना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इसको टेक्स्ट को छोटा कर देता हूँ। और आप इसको बैकग्राउंड का पीछे भी रख सकते हैं, आगे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसको यहाँ पे रख देता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा बैनर पोस्टर। और इसको थोड़ा सा नीचे भी लेके आ जाइए लाइनिंग्स जैसे। अगर आपको लाइनिंग नहीं करना आ रहा है तो यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करते हुए रूलर भी ले सकते हो, यहाँ पे डाल के ऐसा देख सकते हो कि क्या हो क्या रहा है, या फिर कलरिंग ऐसा हो रहा है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, देख सकते हो वीडियो बहुत ही लंबा होगा इसके लिए। सो पहले प्लीज मैं बोल रहा हूँ आप लोग को ध्यान दे के देखना होगा। तो ये चैनल का नेम हो गया है, सो इसको मैं यहाँ पे नीचे ही रख देता हूँ। आपको कलर चेंज करना है तो कर लेना। और देख सकते हो फाइनली हम लोग के पास क्या है, अभी बॉडी है। तो आपको क्या करना है, बॉडी में भी मैंने बोला था कि कलर चेंज करके दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पे क्या जान क्या करना है, स्टाइल्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो स्टाइल्स में जाते हुए आपको यहाँ पे देख सकते हो कलर्स रहेगा। मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल है। अगर नहीं मिल रहा है तो विंडो में जाइए और यहाँ से आपको देख सकते हो स्टाइल मिल जाएगा। सो मैंने यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखते हैं कौन सा स्टाइल बहुत डिफरेंट दिखेगा और कौन सा अच्छा। देख सकते हो आपको कौन सा पसंद आता है आप वही रख लेना। सो यहाँ पे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ है, वेक्टर आर्ट है, देख सकते हो आपको कौन सा अच्छा लगता है वही रख लेना। देख सकते हो इसमें भी बहुत ही अच्छा है और इसमें ग्रेडियंस में भी है बहुत बेसिक, आपको स्टाइल इसमें बहुत सारा मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो बेसिक नो नेचुरल बहुत सारा रहेगा, लेकिन इसमें बहुत ही मैचिंग हो रहा है कलर। सो इसके लिए इसको ही रख देता हूँ। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो घंटे को दबाना है भाई, उसको तो दबाना है ऐसा ही, क्या हैमर से मारोगे क्या से मारोगे, दबाना ही उसको स्क्रीन तोड़ के पूरा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ऐसा ही
बैनर डिजाइनिंग या फिर लोगो डिजाइनिंग में और वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करना भाई, कमेंट करना ही करना है आपको। सो मिलता हूँ अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बाय, सी यू।